Hey guys, तो वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग. लग रहा हूँ ना तीन चार साल से कोई व्लॉगिंग कर रहा है ऐसा आदमी. तो गाइस अभी हम शूट कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो का, और इस बार इस बंदे की वजह से काफी गैप हो गया क्योंकि इसको थोड़ा सा कैंसर हो गया था. अभी हम लोग अपनी शूटिंग लोकेशन पे है. अभी हमने पहला सीन शुरू किया जो होता है ना शूट के पहले दिन. आपको थोड़ी सी जो हिचकिचाहट होती है, एक्ट करने में दिक्कत होती है, कैमरामैन से कैमरा हिल रहा होता है. अरे सॉरी. तो इसलिए हम अभी प्रैक्टिस के लिए अभी पहला शॉट लिया हमने, और पहला शॉट हमने ले लिया मतलब परफेक्ट तो आ गया था पहले ही मिनट में, पर हमें थोड़ा टाइम वेस्ट करने की आदत है तो हमने आधा घंटा और शॉट ही लिया है. बाकी क्लोजअप, साइड पैन, अंकल जी चाय बनाते हुए, सब आसपास के पूरे मोंटाजेस ले लिए. अब हमारी टीम थोड़ी सी थक गई है. अभी मैं मजाक कर रहा हूँ, वैसे कुछ ऐसी बात नहीं है. हमने ये पहले लोकेशन पे शूट कर लिया है और हम अब नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहे हैं. जो वो कार है वो सामने जो आपको दिख रही है. कोई नहीं, जोक सपाट गाइस. अभी आपको दिखाते रहेंगे कि अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये वाला सीन लिया, उसके बाद अगला, फिर वीडियो के बाद व्लॉग भी देख लेंगे. ओके गाइस, लव यू. गाइस अभी हमने पहला सीन थोड़ा सा वो किया है. बाकी दिक्कत थी थोड़ा, कैमरा थोड़ा वो मतलब कैमरा थोड़ा सा हाथ से हिल रहा था, तो फिर ट्राइपॉड मंगाना पड़ गया कि कैमरा थोड़ा सा मैनेज करके सही से शूट कर ले. कह दो कि ये झूठ है. मेरे हाथ नहीं हिल रहे थे, इसकी जुबान हिल रही थी. भाई जुबान तो हिलती है, कैसे कैसी बात कर. इतनी ज्यादा हिल रही थी कि एक शॉट में 26 टेक दिए थे. नहीं भाई, मैंने गिने थे 27. अच्छा सर, हाँ सॉरी 27. तो गाइस जो मैं आपको बताने वाला था कि मैंने 50 टेक में शॉट किया, उसको मेरी टीम ने कवर अप कर दिया. यही होता है अगर आप सही से सबको पेमेंट करो तो. ये जो लड़का है ना कैमरे में, इसकी डीपी नहीं है इंस्टाग्राम पे. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई. ठीक है सैड पोस्ट डालता है. तो अगले सीन की तरफ बढ़ते हैं. अभी चलते हैं घर, अगला सीन डिस्कस करते हैं कार में जाते हुए. घर जाके हम लोग तुरंत कपड़े बदल के अगली लोकेशन, नाइस आइडिया, अगली लोकेशन की तरफ बढ़ेंगे. अंधेरा क्या होगा. सूरज प्लीज. सूरज हुआ मध्यम. सूरज आज खुद बोल रहा है मैं झुकेगा नहीं. एक्चुअली यार ये साल की पहली वीडियो है, तो मैंने सोचा कि यार इसको अपनी लैंग्वेज में करते, क्योंकि मैंने पुष्पा तेलुगु में देख ली थी. ए बेटा ये मेरा अड्डा. इज आउट ब्रो. व्हाट्स अप मैन. तो गाइस अभी जो शूट कर रहे हैं, वो शूट अभी हम कर रहे हैं, ये जो खाली जमीन है. वैसे तो मेरे पास इससे अच्छी लोकेशन थी, पर हमारे कैमरामैन को ये जमीन ज्यादा पसंद आई, क्योंकि वो सुबह यहाँ आके सो लोटे के साथ खुद प्रैक्टिकल करके गए हैं. तो बाकी गेटिंग इनटू व्लॉग्स इज वेरी अमेजिंग. मुझे मेरे पहले व्लॉग पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. पूरे 60 कमेंट आए हैं, जिनमें से 50 कमेंट मुझे बोल रहे हैं कि आप बहुत फनी हो. थैंक यू सो मच. बाकी 10 में से 5 में गालियाँ थी तो डिलीट कर दी मैं. अभी तुम देखो कैसे काम कराते हैं लोगों से, घोड़ा मजदूरी. अपना एक्टर बुलाई हमने, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, लिपस्टिक भी लगाई है. एक्ट्रेस बहुत बड़ी हूँ लेकिन फिर भी बजट नहीं है. गुची का स्टॉल पहना दिया, अभी बजट पूछ रही है.
गाड़ी में रखा है ना आपकी? हाँ, आगे वाले कौन में? अबे चाकू क्या होगा मेरी गाड़ी में? झूठ बोल रहा है। चाकू क्या होगा मेरी गाड़ी में? आगे राइट किस राइट 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 साइड फ्रंट में राइट फ्रंट भाई वो लेफ्ट है राइट के फ्रंट में। तो गाइस अभी हमने 80-85% शूट कंप्लीट कर दिया और अब शूट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आने वाला है। हम ऐड करने वाले हैं नन अदर दिन। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। लव इधर आना यार, ऐसे हो लव? हाँ तुम्हारा नाम लव? सॉरी भाई, हम कह रहे थे भाई खरीदे। और हैरी पॉटर कैसे हो? बढ़िया। हैरी पॉटर द गॉब्लिन ऑफ फायर, कोई एक दो मंत्र पढ़ के दिखाओ। लव कैसा चल रहा है शूट, कुछ बताओ। बहुत अच्छा चल रहा है। अरे यार इज दैट अ हस्की? देखो अगर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक हस्की है, इसका मालिक बहुत बड़ा होगा यूट्यूबर। भाई एक तो पता है, देखो हम जोक सपाट में बोल रहा हूँ, मैं पता नहीं क्यों जैसे कैमरा खुलता है ना बहुत पैनिक हो जाता हूँ। कैमरे के पीछे तो काफ़ी हरकतें करते रहते हैं देखो जैसे, और साथ वाले भी ऐसी हरकतें करते हैं देखो। एक्चुअली क्या था कि ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, और इस बार पर्सनल रीजन थोड़े ज़्यादा पर्सनल थे बिकॉज इस हाउस की रेनोवेशन चल रही है तो हम दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो उस चक्कर में काफ़ी कम से कम 15-20 दिन शूट की प्रॉब्लम, रेनोवेशन डिफरेंट एरिया में जब आपको अपना फिर से एक पूरा प्लान सेटअप करना पड़ता है, और सेटअप का मतलब ये नहीं यार ऑफिस का भी सेटअप सारी चीज़ों का करना पड़ता है ना, तो चीज़ें थोड़ी सी डीले हो जाती हैं। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, कौन मेरी तरफ आएगा, मैं बस ये देखना चाहता हूँ। भाई देख लो देख लो साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इसीलिए हमको इंसान से ज्यादा कुत्तों से प्यार है, हमको नहीं खेलना इधर। तुम सबका भी घर के बाहर अगर बॉल लेकर तुम में से कोई एक भी दिख गया ना तो बॉल के साथ हम उसको, एक भी हमारी तरफ नहीं आया। हम कहे किससे ज्यादा प्यार करते हो, सब उधर चले गए। मेरी तरफ नहीं, ए मेजोरिटी दिख मत जाना इधर। ए बिट्टा ये मेरा अड्डा। बहम मत पालिए। तुम्हारा कहीं कटा होगा चूतिया, तो लड़के भी लॉयल देखे बहुत। प्यारी समझ गई। ओनली डॉग्स एंड अवनीश सिंह इज लॉयल। और लव इज लॉयल। अंकित इज लॉयल। अफलातून म्यूजिक मतलब प्रिंस इज लॉयल। बाबू उनकी तरफ करें, बच्चे कितने प्यारे हैं। लो तुम्हारी एक ने भी बोलो इधर इधर देख, मेरे पास आया इसका मुंह दिखा, ये देखो रोलो किसके पास आया। गाइस तो शूट हम एंड की तरफ ही बढ़ रहे हैं, आपको आपने सारे BTS देखे होंगे शूट्स के बीच में। मैं कह रहा था कि शूट हमारी हो चुकी है लगभग हो चुकी है। अंकित भाई का एक बड़ा सा सीन लेना है, छोटा मतलब बड़ा सा ही सीन है, इम्पोर्टेंट सीन है। नहीं बड़ा नहीं है, बड़ा सीन है 2-2.5 मिनट का, तो बाकी वीडियो आ जाएगी 2-4 दिन में। ए बिट्टा ये मेरा अड्डा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कोविड से बच के रहो यार, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी आ रहा है हम सबका बहुत ध्यान रख रहे हैं। कोविड किट आती है 250 रुपये की, कि आप अपना कोविड चेक कर पाएं। मैं आपको ऊपर वो भी दिखाऊंगा कि हम सब ने अपना कोविड चेक किया और सब नेगेटिव आए, और हम ज़्यादा दूर शूट नहीं कर रहे हैं, घर के पास घर के ऊपर और घर के सिर्फ आसपास में शूट कर रहे हैं। वी विदाउट मास्क वी आर नॉट मेकिंग कॉन्टैक्ट विथ एनीवन आउटसाइड और एनीवन इनसाइड, तो उन चीज़ों का आप लोग भी ध्यान रखें गाइस, क्योंकि कोविड फैल रहा है। एंड जिसने वैक्सीनेशन नहीं लगाई है प्लीज़ वैक्सीनेशन लगाओ, बिकॉज ट्रस्ट मी वैक्सीनेशन अपना काम करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वैक्सीनेशन आपको कोविड नहीं होने देगी, बट जहाँ आपको कोविड में चांसेस थे आपके बीमार पड़ने के, जहाँ 100% चांसेस थे, वो उसको 30-40% पे ले आती है आपके, आपको यार मेरे मैंने जितना सुना है। अब तो डिसलाइक आता ही नहीं ब्लॉग पे, वीडियो पे भी जानते कर दो डिसलाइक। अंकित ज़्यादा बोला होगा तो कहीं से कट कर देना।
हम पीते हैं चाय दीदी के यहाँ पे, दीदी बनाती है हमारी चाय। दीदी हम आपको कब से परेशान करते आ रहे हैं? कोई बात नहीं, परेशान तो फिर भी हम आपके सर पे कब से चढ़ के बैठे हुए, जब से आपकी दुकान 1 मीटर आगे हुआ करती है। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा मेहनत करते ना। हाँ जी भैया, बहुत सफल हो जाएगी तुम्हारी मेहनत, बहुत मेहनत करते हो। बस यही सुनना था दीदी, आज चाय का पैसा ज्यादा देंगे तुम। हे गाइस, तो मैं आपको बता रहा था कि शूट से पहले हर कोई अपना कोविड टेस्ट करता है, उसके बाद शूट पे आता है। चाहे किसी को जुकाम या थोड़ा सा भी सिम्टम लगता है या फिर बेसिकली भी सब टेस्ट करते हैं। 250 रुपये की किट आती है और उस किट में आपको एक छोटा सा बड मिलेगा जिसको आपको अपने दोनों नोज में अच्छे से घुमाना पड़ता है। उसके बाद आप उसको एक छोटे से बॉक्स में आप स्टोर करोगे। उसके बाद उस बॉक्स में थोड़ी देर छोड़ने के बाद आपको एक ऐसा पॉइंट आता है, उस पर आपको यहाँ पे 5 ड्रॉप करने पड़ते हैं। 5 ड्रॉप करने के बाद आपको वेट करना है, आपके सामने यहाँ कलर चेंज होगा। अगर सिंगल लाइन आती है मतलब आप नेगेटिव हैं, अगर थोड़ी भी दूसरी लाइन आती है, हल्की सी दिखती भी है, हल्की सी आती है, दूसरी लाइन आ जाती है, तो इस किट से पता चल जाता है कि आप पॉजिटिव हैं। और कई केस में बोला जाता है कि 90% एक्यूरेट वर्क करता है। तो दिस फॉर यू ऑल, इफ़ यू वॉन्ट टू टेस्ट की कोविड के कोई भी आपको ऐसे लगता है तो आप इससे टेस्ट कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा एक हाउस के कुछ छोटे छोटे शॉर्ट्स बचे हैं, वो लेने जा रहे हैं, चेंज कर चुका है, वो लेने जा रहे हैं। उसके बाद शूट को ख़त्म करेंगे। बाकी वीडियो आपको जैसी लगी प्लीज़ मेरे को बताइएगा, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला आपको BDS व्लॉग कैसा लगा, अपना फेवरेट पार्ट बताना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना, इस चैनल को भी ग्रो करते हैं। Love you so much, guys. Fuck it, you chasing money, I'm chasing my passion. Ain't nobody praying for me, I got the lesson. Ain't nobody caring for you, own you.